वेलकम गाइस ऑन वैल्यू चैनल कॉन्सेप्ट एडुकेयर। मैं शैलेश कुमार सिंह आपके सामने लेके आया हूँ पर्यावरण से संबंधित जो कि यूपी टेट और सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए आज हम लोग समझेंगे जैव मंडल का विस्तार किस प्रकार होता है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने फिगर तैयार किया है और फिगर को समझाने की पूरी कोशिश की है। अलग अलग फिगर में देख सकते हैं मैंने टॉपिक दिया है जीवमंडल का विस्तार। जीवमंडल का विस्तार आप लोग पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। चलिए आइए हम देखते हैं कि जीवमंडल का विस्तार किस प्रकार होता है, कैसे कैसे जीवमंडल कार्य करता है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती हैं, कहाँ से समुद्र स्टार्ट होते हैं, पर्वत, सारी चीज़ों को मैंने इसमें जिक्र किया है। इस फिगर को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है जो कि यूपी टेट और सीटेट में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं पहले इसका स्टैंडर्ड लेवल। अगर हम लोग स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड लेवल है दोस्तों। स्टैंडर्ड लेवल दिखाई दे रहा होगा, जीरो दिखाई दे रहा होगा, ये स्टैंडर्ड लेवल है। इसका अर्थ होता है यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, हमारा वायुमंडल स्टार्ट होता है। और उसकी तरफ नीचे की तरफ आते हैं जब हम लोग तो क्या होता है, जलमंडल स्टार्ट होता है। और इस लेवल पर हम लोग रहते हैं जब तो हम लोग इसके कौन सा मंडल स्टार्ट होता है, स्थल मंडल। पहले तो आपको जानना चाहिए कि जीव मंडल होता क्या है दोस्तों। जिस जगह पे जीवों के या पौधों के पाए जाने की पूर्ण रूप से संभावना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं दोस्तों। हम लोग जीव मंडल में किन किन जगहों की चर्चा करेंगे, पहला करेंगे हम लोग जीव, स्थल और वायु। इन तीन चीजों की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहले जल मंडल से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जल मंडल का किस तरीके से कार्य करता है, क्या क्या उसके प्राकृतिक गुण हैं और किस तरीके से ये जीव जो इसमें सर्वाइव करते हैं रहते हैं। चल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग सबसे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6000 मीटर। 6000 मीटर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 6000 मीटर दिखाई दे रहा है। 6000 मीटर जो होता है ये समुद्र के तली के नीचे की बात हो रही है, यानी सरफेस से हम लोग समुद्र के तली की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ कि पैसिफिक ओशियन में सबसे नीचे तली कौन सी है, मरियाना गर्त के बारे में सुने होंगे आप लोगों ने, इसको हम लोग मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ये कहाँ पे दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मरियाना गर्त की बात करते हैं तो ये सबसे निचले सरफेस हो जाता है किसका, समुद्र का। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो लगभग हम लोग 6000 मीटर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 6000 मीटर दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग को। ठीक है, अगर हम लोग 6000 मीटर की बात करते हैं जिसको हम लोग डिप सी कहते हैं सबसे निचले स्तर को, उसके बाद थोड़े से ऊपर जाते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेक्टॉन कहते हैं। नेक्टॉन में क्या होता है दोस्तों, ये नेक्टॉन का एरिया होता है, ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है इसमें नेक्टॉन का एरिया होता है। नेक्टॉन ये होते हैं जिसमें इस एरिया में वो जीव सर्वाइव करते हैं जो कि पानी के सबसे निचली सतह पे रहते हैं, समुद्र के सबसे निचली सतह पे रहते हैं। वो सतह कौन सा होता है, नेक्टॉन। जैसा कि आप लोग ऊपर मैंने लिखा है दिखाई दे रहा होगा, नेक्टॉन वो जीव होते हैं जो पानी के सबसे निचली सतह पे रहते हैं। चलिए हम लोग और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं तो आता है 4000 में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। उसके बाद और चलते हैं तो आता है 1000 पे आगे देखते हैं तो 1000 समुद्र का वो एरिया होता है, ये 1000 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो साइड होता है जहाँ पे प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश समुद्र के इन तटियों में पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है, इसको हम लोग अप्रकाशीय मंडल कहते हैं, अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। किसका क्षेत्र कहते हैं, समुद्र का। समुद्र का ये कौन सा क्षेत्र है, अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। ये कहाँ होता है, 1000 से 2000 मीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है समुद्र का वो अप्रकाशीय क्षेत्र होता है। पहले थोड़ा सा हम लोग और ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे 200 मीटर। 200 मीटर पे जब आते हैं तो 200 मीटर का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन दिखाई दे रहा है दोस्तों ऊपर, प्लैंकटन कहते हैं। अब आपको बताना होगा कि प्लैंकटन होता क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ प्लैंकटन क्या होता है। प्लैंकटन वो होते हैं जो जीव सतह पर, यानी ये सतह हो गया समुद्र का, समुद्र के सतह से लगभग थोड़ा सा नीचे 200 मीटर नीचे की बात करते हैं, इसमें जो जीव रहते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन जीव कहते हैं इस सतह से 200 से 0 के जो बीच में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। ये ऊपरी ऊपरी सतह पे ही समुद्र के पाए जाते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, जैसे मछलियां होती हैं, कछुए होते हैं, ज्यादातर इसी सतह में वो तैरते हुए आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए आइए हम लोग आते हैं जीरो लेवल पे, जब जीरो स्टैंडर्ड लेवल पे जब हम आते हैं, स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि पक्षी होते हैं, सागरीय पक्षी होते हैं, इसको ऊपर क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं, इसके
बीचों बीच वो क्या करते हैं, सागरों के ऊपर उड़ते रहते हैं। वो सागरों के ऊपर उड़ते हैं तो उनका उद्देश्य होता है छोटी छोटी मछलियों को खाना, या प्रजनन के उद्देश्य से भी वो क्या आते हैं, समुद्र के सतहों से होकर गुजरते हैं। ये सतह कौन सा होता है, समुद्री सतह होता है, सबसे ऊपरी सतह होता है समुद्री का, जिस पर पक्षी विहार करते हैं, जिस पर पक्षी आते हैं उड़ते हैं अन्य प्रकार के जंतु यहाँ सर्वाइव करने आते हैं। चलिए ये तो बात होगी समुद्रों की। समुद्र की कुछ बनावटों को भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक स्लॉप दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, स्लॉप दिखाई दे रहा है ठीक है। स्लॉप को क्या करते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहते हैं क्योंकि ये स्लॉप क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ये ढलाव दिखाई दे रहा है आप लोग को, ढाल हो गया दोस्तों, ढाल ढाल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, सेल्फ सेल्फ लिखा दोस्तों, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो ये होता है फिगर, जहां से समुद्र की सतह टर्न हो जाती है, जैसे कि ऐसे समुद्र की सतह आ रही है और ये ऐसे होने लगती है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। यानी इस पोजीशन में क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हो कि इस पोजीशन पे क्या हो गया है, स्लॉप स्टार्ट हो गया। जब स्लॉप स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं इन इलाकों में क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं तलवासी जीव। तलवासी जीव जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि इस तलवासी जीव जो भी होते हैं, मछली हो गई, कछुआ हो गई, कहाँ पाए जाते हैं, तलवासी जीव होते हैं समुद्र के सबसे ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है समुद्र में। जैसा कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि समुद्रों में अक्सर लो टाइड और हाई टाइड आया करते हैं, लो टाइड और हाई टाइड समुद्र में किस क्षेत्र में आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे कि आप स्टैंडर्ड लेवल की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड लेवल से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं इस साइड, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पे पानी का सतह नीचे की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो टाइड कहते हैं, और जहां पानी का सतह ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाई टाइड कहते हैं। ये तो हो गए समुद्र के सतहों की बात। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, जैसे कि आप लोग मालूम है कि हम लोग जीव मंडल के बारे में पूरा बात कर रहे हैं, तो ये समुद्र की बात हो गई। अब हम लोग दूसरे मंडल में आते हैं, स्थलीय पौधे एवं जंतु, ताजा जल के जीवन। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सारे जीव समुद्र में ही रहे, कुछ आप लोगों को मालूम है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कई नदी भी होते हैं, कभी पोखरे होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें भी कुछ जीव पाए जाते हैं, और कहीं उसी जगह उन्हीं जगहों पे जमीन के अंदर सरफेस में क्या होते हैं, ताजा जलों की क्या होती है, कुछ मात्रा होती है इस जगहों पर। जैसे कि हम नदियों जैसे आप लोगों को पर्वत दिखाई दे रहा होगा, तो कोई ना कोई नदियां जो उतरती हैं उसमें क्या होता है कि ताजे जल के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों जब पर्वतों से जो नदी का उद्गम होता है उसमें क्या होते हैं, ताजे जल वाले जीव पाए जाते हैं। उन जीवों के अगल बगल जो नदियां होती हैं उनके अगल बगल क्या होते हैं, घने जंगल भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, स्थलीय पौधे एवं जंतु, जहां जाए डायरेक्ट की बात है दोस्तों, जहां पे जंगल होंगे वहीं पे जीव जंतु निवास कर सकते हैं मानव को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर ऊपर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लगभग, अगर हम लोग स्टैंडर्ड लेवल से 8000 तक ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे थोड़ा तो ऊपर भी जा सकते हैं दोस्तों, उसके पर्वतीय क्षेत्र हम लोग को उतने ऊंचाई तक देखने को मिल सकते हैं। यानी पर्वतों की लंबाई लगभग 8000 मीटर तक ऊपर की ओर बढ़ जाती है एटमोस्फेयर में। ठीक है, उससे ऊपर से भी जा सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं होता, जैसे कि आप लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं, माउंट एवरेस्ट कितनी चाहिए दोस्तों, 8848 इतनी ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। अभी कुछ समय पहले इसका ऊंचाई में कुछ वृद्धि हुई है दोस्तों, इसको कह दिया गया है कि अभी 8848 ना होकर 8850 हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्रों की, यानी स्थल मंडल की अब हम लोग बात करेंगे। स्थल मंडल की अब बात करेंगे तो स्थल मंडल में आपको दिखाई देगा कि हम लोग स्थल मंडल में मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। स्थल मंडल में अक्सर आपको दिखाई देता होगा कि मैदानी क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, मनुष्य उधर निवास करता है, खेती बाड़ी करता है, अपने जीवन के यापन के लिए बहुत सारी सुविधाओं का प्रयोग करता है। जो स्थल मंडल होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे कि जब पर्वतों से नदियां बह के स्थल की ओर आती हैं तो क्या करती है, मैदान को यानी सरफेस को प्लेन करते हुए निकलती हैं। उसके अगल बगल के जो इलाके हो जाते हैं पानी की वजह से उपजाऊ हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं तो वहां जीवन क्या हो जाता है, बसना शुरू होता है। उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। जब नदियां पर्वतों से उतर के सरफेस पे आ जाती हैं तो एक बड़ा सा फील्ड बनाती हैं, फील्ड के मतलब क्रिएशन कर देती हैं अगल बगल की जो धरती क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, जिसे को हम लोग क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं।
इसको हम लोग कौन सा और क्षेत्र भी कहते हैं, मृदा मंडल भी कहते हैं। मृदा मंडल कहने का रीजन ये है क्योंकि इधर ही क्या होता है, मट्टियां पाई जाने लगेंगी, मट्टियां जब पाई जाने लगेंगी जहर की बात हर चीजों का उपयोग करना आसान हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि इधर ही क्या करते हैं, मृदावासी जीव, मृदावासी जीव की जब बात करते हैं तो मृदावासी जीव में जितने भी जंतु आते हैं, हाथी घोड़ा चीता जितने भी जंतु आएंगे वो क्या होते हैं, मृदावासी जंतु होते हैं। वो थल पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं। वो कहाँ निवास करते हैं, मृदावासी यानी कि मैदानी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। इस तरीके से हम जो पूरे इस मंडल को, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जीव मंडल के विस्तार का पूरा एक चित्र के द्वारा वर्णन करने का प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पे हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप एक सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी पक्की करें। जय हिंद, जय भारत।